बार बार डोसा ये तवा को क्यों चिपक जाता है? मुझे ना नया कुकवेयर खरीदना है। कौन सा खरीदूँ? आयरन कुकवेयर खरीदूँ कि कैस्ट आयरन कुकवेयर खरीदूँ? आयरन कुकवेयर और कैस्ट आयरन कुकवेयर में क्या डिफरेंसेस हैं? कैस्ट आयरन कुकवेयर मेंटेनेंस कैसे करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज हमको ये वीडियो में पता चल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। माई किचन वंडर्स में सबका स्वागत है। आज हम लोग आयरन कुकवेयर और कैस्ट आयरन कुकवेयर में डिफरेंसेस देखेंगे। इसमें से कौन सा बेस्ट है वो भी हम लोग देख लेंगे। आयरन कुकवेयर शीट्स के फॉर्म में मिलता है। उसको बीट करके जैसा शेप चाहिए वैसा शेप देके बनाया जाता है। कैस्ट आयरन एक अलॉय है, मतलब मिश्रण। इसमें आयरन 97% रहता है, सिलिका और कार्बन बाकी 3% में रहता है। इन सारे चीज़ों को पिघला के मोल्ड्स में डाल के जो शेप चाहिए वो शेप का मोल्ड्स में डाल के फिर इसको कैस्टिंग कराया जाता है, तो हमको ये कैस्ट आयरन कुकवेयर बन जाता है। इसके लिए इसका नाम कैस्ट आयरन रखा गया है। कास्ट आयरन मोल्ड्स में डाल के बनाया जाता है। इसके लिए इसमें जॉइंट्स नहीं रहता है, ये सीमलेस रहता है। आयरन को काट के ऐसा बनाता है। इसमें इसके लिए ये हैंड्स वगैरह में जॉइंट्स होता है। आयरन कुकवेयर लाइट वेट होता है, कैस्ट आयरन कुकवेयर हैवी होता है। आयरन और कैस्ट आयरन में डिफरेंस कैसा पता चलता है हमको? आयरन कुकवेयर स्मूथ होता है, कास्ट आयरन कुकवेयर में पोर्स रहता है, तो इजीली हमको पता चल जाता है। इसके अलावा आयरन कुकवेयर हल्का सा लाइट कलर में मिलता है, कास्ट आयरन कुकवेयर थोड़ी सी डार्क वर्शन में मिलता है हमको। कुकिंग करने के टाइम पे नॉर्मल आयरन जल्दी हीट पकड़ लेता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। कास्ट आयरन थोड़ा धीरे से हीट होता है, बट हीट को रिटेन बहुत देर तक करता है कास्ट आयरन का कुकवेयर। इसके लिए ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है। आयरन कुकवेयर को जब भी हम लोग स्टोव पे रखते हैं, जो हमारा गैस स्टोव जो बर्नर जितना हीट रहता है उतना तक ज़्यादा हीट होता है और किनारों पे थोड़ा कम हीट होता है। कैस्ट आयरन में यूनिफॉर्म हीटिंग होता है, मतलब हम लोग गैस स्टोव पे उसी सेम बर्नर पे रखेंगे तो किनारों में भी उसका हीट यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। कभी भी आयरन कुकवेयर में हम लोग खाना बनाते हैं तो आयरन की मात्रा कम लीच होता है खाने में, क्योंकि इसमें फास्ट कुकिंग होता है। कंपेयर टू आयरन कुकवेयर, कास्ट आयरन में आयरन की मात्रा खाने में जब भी कुक करते हैं तो लीच ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए कास्ट आयरन बेटर है। आयरन कुकवेयर को शीट से काट के पीट के बनाया जाता है। इसके लिए हम लोग इसमें तवा कढ़ाई जैसे एक दो वैरायटी का बर्तन हमको मिलता है। कास्ट आयरन मोल्ड्स में डाल के बनाया जाता है। इसके लिए जो शेप चाहिए हमको वो शेप का वेजल आ जाता है। इसके लिए तवा बनता है, स्किलेट्स बनता है, कैसेरोल्स बनते हैं और बेकिंग ट्रेस बनता है आजकल। ऐसे बहुत सारा शेप्स और साइजेस में हमको कास्ट आयरन का यूटेंसिल्स मिल जाता है कंपेयर टू आयरन कुकवेयर। आयरन कुकवेयर जल्दी हीट हो जाता है, इसके लिए हम लोगों को खाना लीच कम होता है। इसके लिए इसमें रोटी, चपाती, स्टिर फ्राई या चाइनीज़ का खाना जब भी छर छर करके बनाते हैं ना, वो बनाने के लिए आयरन कुकवेयर परफेक्ट है। कास्ट आयरन कुकिंग में हीट यूनिफॉर्मली रहता है और काफ़ी देर तक रहता है। इसके लिए कास्ट आयरन रोस्टिंग के लिए या ग्रेवी जैसा लंबे समय तक जो भी कुकिंग होता है उसके लिए, डोसा के लिए परफेक्ट रहता है। प्रॉपरली सीजन किया हुआ कास्ट आयरन में जब भी कुकिंग करते हैं वो नॉनस्टिक जैसा काम करता है। इसके लिए कुकिंग करने के दौरान हमको कम तेल यूज़ कर सकते हैं। वही आयरन में सीजनिंग में भी इतना ऑयल नहीं रहता है। इसके लिए हमको सेम अमाउंट ऑफ खाना इसमें बनाने के टाइम पे थोड़ा तेल ज़्यादा डालना पड़ता है। अगर प्राइस की बात आता है तो आयरन कुकवेयर कंपेयर टू कास्ट आयरन सस्ते में मिलता है, कास्ट आयरन थोड़ा सा महंगा होता है। बॉलों में जो हेना लगाते हैं वो आयरन वेजल्स में बनाते हैं, तो आयरन की जगह पे कास्ट आयरन का वेजल में हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो आयरन की मात्रा ज़्यादा आता है हेना में, इसके लिए वो और भी बेहतरीन रहता है। आयरन शीट से बनता है, इसके लिए आयरन कुकवेयर थोड़ा पतला रहता है कंपेयर टू कास्ट आयरन कुकवेयर, क्योंकि कास्ट आयरन कुकवेयर मोल्डिंग से बनता है तो मोल्डिंग में वो थिकनेस थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, रखना पड़ता है। इसके लिए कास्ट आयरन कुकवेयर थोड़ा सा थिक रहता है। अभी आयरन और कास्ट आयरन कुकवेयर का सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे।
आयरन कुकवेयर और कैस्ट आयरन कुकवेयर दोनों में एसिडिक खाना मतलब खट्टा वाला जो भी खाना है हम लोग अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, जैसे इमली का बना हुआ या टमाटर, कच्चे आम, नींबू, इन सारे चीज़ों का जो भी खाना रहता है वो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है और टेस्ट में भी थोड़ा फ़र्क आ जाता है। इसके लिए उन सारे आइटम्स को बनाना इसमें अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। अगर बना भी लिया तो तुरंत इसको दूसरे विसल में हम लोगों को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। कैस्ट आयरन कुकवेयर में हीट रिटेंशन ज़्यादा होता है, इसके लिए जब भी खाना बन गया है तो तुरंत इसको हमको सर्विंग बाउल में निकाल देना चाहिए। अगर हम लोग वैसे ही रखेंगे हीट रहता है इसमें बाकी, इसके लिए इसमें थोड़ा खाना ज़्यादा पक जाता है या तो थोड़ा जलने का चांसेस है, इसके लिए इसको सर्विंग बाउल में तुरंत निकाल देना चाहिए। कैस्ट आयरन कुकवेयर और आयरन कुकवेयर में दोनों में लॉन्ग लाइफ है। आयरन कुकवेयर में ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरी नहीं है, कैस्ट आयरन को थोड़ा अच्छा सा देखभाल करेंगे वो सालों साल चलता है और नेक्स्ट जनरेशन का भी यूज़ हो सकता है। आयरन कुकवेयर और कैस्ट आयरन कुकवेयर दोनों रस्टिंग मतलब जंग पकड़ लेता है अगर प्रॉपरली उसको मेंटेन नहीं किया गया तो। आयरन कुकवेयर और कैस्ट आयरन कुकवेयर दोनों को सीजनिंग कंपलसरी है। अगर कैस्ट आयरन कुकवेयर प्री सीजन रहा तो फिर भी यूज़ करते समय उसको सीजन करना ज़रूरी है। जो तवा हम लोग रोटी या चपाती बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको डोसा बनाने के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारा कमेंट्स में आया है कि डोसा तवा को चिपक जाता है, पर सेम तवा दोनों के लिए यूज़ करेंगे तो डोसा अच्छे से निकल के नहीं आएगा। बेटर है कि चपाती के लिए रोटी के लिए अलग तवा यूज़ करें और डोसा के लिए अलग तवा। प्रेफरेबली चपाती बनाने के टाइम पर आयरन तवा अच्छा चल जाता है, डोसा के लिए कैस्ट आयरन तवा अच्छा चलता है। हमारे घरों में अलग अलग तरह का खाना बनता है, इसके लिए अलग अलग कुकवेयर भी रखना बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए चपाती और स्टीर फ्राई जो चाइनीज़ वैरायटी का जो छर बनाने पड़ता है ना फ्राइड राइस वगैरह, उसके लिए नॉर्मल तवा नॉर्मल कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। और रेगुलरली जो ग्रेवी बनाते हैं या दाल चावल बनाते हैं, जो डोसा बनाते हैं, जो रोस्टिंग करते हैं, उन सब के लिए कैस्ट आयरन बेस्ट है। प्री सीजनिंग एंड मेंटेनेंस कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ अभी आपको एक आइडिया आ गया होगा आयरन और कैस्ट आयरन कुकवेयर के बारे में। आपके सजेशंस और फीडबैक कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दे दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को कोई पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। क्या आप जानते हैं ऐसा दाल फटाफट और जल्दी कुक करने से हमको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन वगैरह होता है। आज हम लोग देखेंगे तुअर दाल को सही तरीके से प्रेशर कुकर में कैसे बनाते हैं।